मंदिर जो है अपने 600 साल पुराना है, तो इसकी नींव रखी गई थी 1433 1433 में, और 1496 के अंदर इसका काम कंप्लीट हुआ। 63 साल लगे इसको बनाने के लिए, और धरनासा सेठ पुरवाल जो कि महाराणा कुंभा जी के मंत्री थे, आना दो आना के टाइम पे सेठ ने 15 करोड़ रुपये इसके ऊपर खर्चा किया। 1444 स्तंभ के साथ में सुंदर मंदिर को बनाया हुआ है। सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। अभी हम हैं पाली डिस्ट्रिक्ट के रणकपुर के यहाँ पे सादड़ी गांव है, वहाँ पे हूँ मैं। सादड़ी से हम जाएंगे अभी रणकपुर, जहाँ पे बहुत ही पुराना जैन टेंपल है, काफ़ी पुराना टेंपल है वो, और काफ़ी बड़ा भी है। और आसपास का जो नज़ारा है, अरावली रेंज जो कि पूरी पहाड़ों के बीच में है, वो अरावली के पहाड़ियाँ हैं सारी, काफ़ी खूबसूरत जगह है, वहीं चलेंगे आज हम, और पूरे वीडियो में आज वही देखेंगे। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। चलिए फिर देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी खूबसूरत रोड बना हुआ, रोड के आस दोनों तरफ काफ़ी बड़े बड़े से पेड़ बने हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है ये रोड। और अरावली फ्रेंज के बीच में ही बना हुआ है, जो अरावली की पहाड़ियां हैं, पूरा काफ़ी घने जंगल और पहाड़ों के बीच में ही बना हुआ है, काफ़ी सुंदर रोड है। फ्रेंड्स रणकपुर जी के मंदिर, जैन मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। यहाँ अंदर तक पार्किंग है, यहाँ से फिर अंदर पैदल जाना होगा। फ्रेंड्स देखिए, बाहर की तरफ जो बना हुआ है, काफ़ी अच्छा गार्डन बना हुआ है बहुत ही सुंदर तरीके से, और यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं, स्पेशली सर्दियों में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आते हैं। और देखिए ये सामने जो एक स्तंभ बना रखा है छोटा सा, काफी सुंदर लग रहा है, कलश ऊपर बना रखा है। फ्रेंड्स ये है पार्श्वनाथ मंदिर, जैन मंदिर है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा मंदिर। काफ़ी अच्छा कलाकृति कर रखी है, देखिए आप ये दरवाज़ा जो बना रखा है, इसके पिलर्स देखिए आप, काफ़ी सुंदर मूर्तियां बना रखी है। बिल्कुल छोटा सा दरवाज़ा के अंदर से ऊपर जाना होता होगा। फ्रेंड्स वो मंदिर है जो मेन मंदिर है यहाँ का, जैन मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है, वहाँ पर भी चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स काफ़ी बड़ा मंदिर है, यहाँ पे पहुँचे हैं हम, देखिए आप देख पा रहे हो काफ़ी बड़ा, और यहाँ पे क्या खास है वो सारा हम यहाँ पे जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स मंदिर के अंदर चलते हैं, ये जो पीछे है यही मेन मंदिर है रणकपुर का, जैन मंदिर।
बहुत ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। यहाँ पे जो पुजारी जी हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे लेते हैं पूरी जानकारी यहाँ पे जो रणकपुर जैन मंदिर है उसके बारे में। नमस्ते पुजारी जी। नमस्कार, मेरा नाम सचिन शर्मा और हमारा परिवार यहाँ पे वंश परंपरा से सेवा पूजा करता आ रहा है। तो हम मुख्य पुजारी परिवार से, 18 पीढ़ी हमारे यहाँ पे। मंदिर जो है अपने 600 साल पुराना है, तो इसकी नींव रखी गई थी 1433 में और 1496 के अंदर इसका काम कम्प्लीट हुआ। 63 साल लगे इसको बनाने के लिए और धरनासर सेठ पूरवाल जो कि महाराणा कुंभा जी के मंत्री थे, आना दो आना के टाइम पे सेठ ने 15 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्चा किया। 1444 सिस्टम के साथ में सुंदर मंदिर को बनाया हुआ है। 24 बड़े मंडप है, टोटल मिला के 24 मंडप है अपने, और चहुमुखी मंदिर है। चारों चार आदिनाथ भगवान की सुंदर प्रतिमाएँ विराजमान है। दो सबसे मेन चीज़ है, लाइट नहीं है, नेचुरल लाइट है पूरे मंदिर में, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और चार खंभों के बीच में अगर आप कहीं भी खड़े रहते हैं तो कोई ना कोई प्रतिमा के दर्शन जरूर होते हैं मंदिर में। अच्छा, ये कुल जो यहाँ पे खंभे हैं वो कितने हैं? 1444 स्तंभ है, कोई भी दो खंभे एक जैसे नहीं। अच्छा, और इसमें कोई खास? बाकी बहुत सुंदर कला करती है आप। अच्छा, मतलब यहाँ जो पिलर हैं वो मतलब एक सेम है एक जैसे? दो खंभों के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस है, कोई भी खंभे एक जैसे नहीं है। अच्छा, सब अलग डिफरेंट है ना। ठीक है, धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा पुजारी जी बता रहे थे कि काफ़ी सारे स्तंभ बने हुए हैं, खंभे बने हुए हैं, और ये जो टोटल हैं 1444 खंभे हैं टोटल, जैसा पुजारी जी बता रहे थे। और सारे खंभे अलग अलग हैं, एक भी डिज़ाइन सेम नहीं है। अभी जैसे ये देखिए, ये इसकी डिज़ाइन अलग और इसकी फिर से अलग, इसी प्रकार से सारे खंभे, और सारे खंभों पर जो कलाकृति कर रखी है बहुत ही अट्रैक्टिव कलाकृति है। देखिए ये कितनी आश्चर्यजनक कलाकृति कर रखी है। ये बिल्कुल ऊपर इनके छज्जा बना रखा है जैसे, और ये साइड में जो कलाकृति है बीच में प्रतिमा स्थापित कर रखी है, वो काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही है ये मूर्ति पूरी, और चारों तरफ से इतनी अच्छी डिज़ाइन कर रखी है। और काफ़ी अट्रैक्टिव मंदिर है, और काफ़ी टूरिस्ट यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और इस जगह को स्पेशली देखने के लिए आते हैं। इस मंदिर को, काफ़ी पुराना और प्राचीन मंदिर है, और जैसे इसकी विशेषता बताई थी पुजारी जी ने कि यहाँ पे सारे खंभे हैं जो सारे डिफरेंट है, अलग अलग खंभे। ये चारों तरफ अरावली की पहाड़ियां हैं, घना जंगल है बिल्कुल अरावली का, इसी के बीच में ये मंदिर बना हुआ है।
फ्रेंड्स देखिए काफ़ी सुंदर ये एलिफेंट हाथी बना रखा है पत्थर का, संगमरमर पत्थर का, और ऊपर राजा बैठे हुए हैं। और ये पिलर्स की इस कलाकृति को देखने के लिए काफ़ी लोग देश विदेश बाहर से काफ़ी लोग यहाँ आते हैं स्पेशली इस मंदिर को देखने के लिए। काफ़ी सुंदर और अट्रैक्टिव है मंदिर। राजस्थान आना हो दोस्तों तो ज़रूर एक वो आइएगा, काफ़ी अच्छा प्लेस है यहाँ पर। और सभी स्पेशली उदयपुर, माउंट आबू और कुंभलगढ़ इस प्रकार से घूमने आते हैं तो स्पेशली इस टेंपल को तो देखते ही हैं। काफ़ी अच्छी कलाकृति बनी हुई है, पूरा मंदिर अलग अलग कलाकृतियों से काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा मंदिर है और यहाँ पे भी देखिए आप ये एलिफेंट बना रखे हैं और एलिफेंट के ऊपर कुछ लिख भी रखा है। अब ये लैंग्वेज तो समझ में आएगी नहीं मेरे को, बट यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है इस इतिहास के बारे में। काफ़ी सुंदर एलिफेंट बना हुआ है। फ्रेंड्स मंदिर काफ़ी बड़ा परिसर में फैला हुआ है और यहाँ पे भोजनशाला, धर्मशाला, रहने के लिए कोई नाइट रुके सिंगल पर्सन को नहीं देते, फैमिली को दे देते हैं रूम। फ्रेंड्स ये मंदिर पूरा देखा, आप चलते हैं यहाँ पे सन टेंपल बना हुआ है, सूर्य मंदिर थोड़ा सा आगे की तरफ है, चलते हैं वहाँ भी मंदिर देखते हैं कैसा है। तो चलिए फिर चलते हैं वहाँ पे। फ्रेंड्स ये सन टेंपल सूर्य मंदिर के यहाँ पहुँच चुके हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। देखिए अंदर भी काफ़ी अच्छा बड़ा बना रखा है मंदिर ये, और भी अंदर से देखिए आप ये स्टेज भी बना रखा है यहाँ पे। और ये इस तरफ है, ये ऊपर की तरफ, ये है सन टेंपल। ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत सन टेंपल बना हुआ है यहाँ पे, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और पर जो कलाकृति कर रखी है वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव है इस मंदिर के ऊपर।
ये देखिए फ्रेंड्स, अंडरग्राउंड यहाँ पे सुरंग बनी हुई है, काफ़ी अच्छी है। थोड़ी स्मेल भी आ रही है अंदर, पक्षी वगैरह काफ़ी है। बहुत गहरी सुरंग लग रही है। पीछे से देखिए, बारिश के मौसम में पीछे से पानी आता है। ये पूरा सा नाला बना हुआ है। ये जो रोड जा रहा है, ये रणकपुर टू उदयपुर, उदयपुर रोड है, उसी के बीच में ये मंदिर आता है। ये जो सामने जो बना रखा है स्टेज, यहाँ पे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। जब भी कोई फेस्टिवल या कुछ भी आता है तो यहाँ पर अच्छा सा प्रोग्राम किया जाता है। राजस्थानी लोक नृत्य या फिर कोई कला अपनी दिखाता है यहाँ पे राजस्थानी, इसी प्रकार से। और ये पीछे बना हुआ है, यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट है, जो भी देखने के लिए आते हैं वो यहाँ पे बैठ के देखते हैं। बीच में स्टेज बना हुआ है। फ्रेंड्स, पूरा रणकपुर का जैन मंदिर देखा, काफ़ी अच्छा और बहुत ही खूबसूरत जैन मंदिर बना हुआ था ऊपर से। और वहाँ पे ख़ास बात यह थी कि कोई भी जो स्तंभ था सिमिलर नहीं था, यानी कि एक स्तंभ दूसरे स्तंभ से कुछ डिफरेंट था डिज़ाइन से, उसके अंदर जो कारीगरी कर रही थी उस तरीके से। और टोटल जो खम्भे थे वहाँ पे, जैसा पुजारी जी बता रहे थे कि 1444 खम्भे हैं टोटल उस मंदिर के अंदर। काफ़ी अच्छी कलाकृति मूर्तियों के रूप में कर रखी थी वहाँ पर, और काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ भी स्थापित कर रखी थी जैन धर्म के जो भगवान हैं उनकी। फ्रेंड्स, आपको ये रणकपुर जैन मंदिर कैसा लगा ये कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए, और अच्छा लगा है तो लाइक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नए टूरिस्ट पॉइंट पर एक नई जगह के साथ, फिर से मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स। Thank you.